पत्थर पर भी एक ऐसा रक्स तारी हुआ कि जब सरकार काजाए काजगां की रूह मुकद्दस उस वादियों में घुम हो गई, यार के जलवों में मुस्तगरब हो गई, झूमने लग गई सरकार गरीब नवाज की रूह मुकद्दस। जिस तरफ वो वजद होता उस तरफ गौसे पाक की खानका के दरो दीवार भी हिलने लग गए, शजर व हजर भी हिलने लग गए, दरख्त ऐसे लगता था कि अभी उखड़ कर गिर जाएंगे। ये देखा मंजर गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निगाहों से अपनी खानका के सुकून को मजबूती से पकड़ा, पूरा वजन थम गया। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज को महफिल समा सुनाने के बाद कहते हैं कि ए मोइनुद्दीन अजमेरी, आज मैंने तेरी वजह से समा सुना। तो ये मोइनुद्दीन अजमेरी का सदका है कि जितने कादरी हजरात, हालांकि कादरी सिलसिले में समा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज कादरी भी समा सुनते हैं, उसका अहम करम, अहम नस्बत का फैज मोहज़्ज़द सामीन इकराम तो गरीब नवाज की ज़ात गिरामी हो जाता है। तो सरकार गरीब नवाज का सदका है। तो ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है, आज उस दामन से हमारी वाबस्तगी है। आज दूर करने वाले, उनकी ग्यारहवीं से लोगों का दिल फेरने वाले आज बहुत मिलेंगे, उनकी शान में गैर जुम्मेदाराना कलाम करने वाले। लेकिन जब मोहब्बत किसी से दिल से होती है तो मोहज़्ज़द सामईन इकराम उसकी मोहब्बत में बंदा गलत काम हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जा रही है वो कोई आम दुनियादार नहीं है। जिससे मोहब्बत का आप दम भरते हैं ये वो ज़ाते गिरामी है जिस हस्ती से खुद अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई, और ये वो ज़ाते गिरामी है कि जिसके अंदर हर अमल हुजूर के अमल के मुताबिक नज़र आता है। ये वो ज़ाते गिरामी है कि आपने अगर इनसे मोहब्बत की, इनकी मोहब्बतों का कुछ भी थोड़ा सा मुख्तसर सा अगर हिस्सा मिल जाए आप भी वली बन जाएंगे। ये वो ज़ाते गिरामी है। तो हम अपने किस्मत पर नाजा हो, अपने मुकद्दर पर हम रश्क करें कि अल्लाह ताला ने पीरान पीर के मंगतों में उनके गुलामों में हमारा शुमार फरमाया है। आज दुनिया में इंसान चाहता है कि उसके अच्छे असर व रसूख हो, अच्छी उसके पास दौलत हो, पैसा हो, उसकी शोहरत हो, लेकिन मोहज़्ज़द सामईन इकराम हकीकत में वो शख्स बड़ा दौलतमंद इंसान है जिसको कुछ भी ना होने के बावजूद गौसे पाक की गुलामी नसीब है। क्योंकि जिसको ये दर नसीब है उनके बड़े नसीब, हकीकत तो यही है। और मोहज़्ज़द सामईन इकराम मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को अमल में ढालें। गौसे पाक चाहते हैं कि उनका हर एक गुलाम इस तरीके से मैदान महशर में जाए कि अल्लाह ताला देख कर कह दे कि मेरे गौसे पाक के नाम लेवा उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी ज़ात से अपनी अकीदत रखने वाले हैं और उनकी बात पर अमल करने वाले हैं। इनको रास्ते में जाने में तकलीफ ना दी जाए, इनको हिसाब किताब नहीं, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचा दिया जाए। अमल भी अगर हमारा इस तरीके से हो, लेकिन याद रखिए एक चीज़ जो इंसान के साथ कभी खाली नहीं जाती, वो एक ही चीज़ है कि हजरत कामिल शुतारी रहमा फरमाते हैं, कामिल ये बात याद रखो बल्कि लिख रखो, खाली कभी ना जाएगी नस्बत किसी के साथ। आपने दिल से मोहब्बत की पीराने पीर से तो उसका निमुल बदल, उसका अजर तो आपको मिलेगा, आखिरत सवर जाएगी। लेकिन दुनिया में हम ये अज़्म, ये इरादा करें कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की हम ग्यारहवीं करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में हम पूरी दुनियादारी में मुलव्वस हो चुके हैं, लेकिन ख्याल हमारे अंदर ये होना ज़रूरी है कि हम एक मरतबा ज़िंदगी में इरादा करें कि गौसे पाक कुछ दे ना दे लेकिन बगदाद बुलाकर अपनी हाज़िरी का शरफ ज़रूर अता करें। ये इरादा करें तो फिर आपकी दुनिया तो कामयाब होगी और आपका आखिरत में भी पीराने पीर का, वो तो आखिरत दूर की बात, कब्र में भी मोहज़्ज़द सामईन इकराम इस दामन के साथ अगर जाएंगे तो फिर आपके
कफन को भी धक्का नहीं लग सकता। एक अशार हम सुनते हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, विलायत जिसके मन में हो वो मन मैला नहीं होता, कि आगोशे लहद में भी बदन मैला नहीं होता, शह जिला के आशिक का कफन मैला नहीं होता, रसूल अल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता। लेकिन जब इन निस्बतों के साथ सदाकत का नूर लेकर हम जब इस दुनिया से रुखसत होकर कब्र में जाएंगे, तो फिर इस जाम के साथ जाए ऐसी गुलामी काम की है, नहीं तो मौजूद साहब मेरे कराम सब दावे झूठे हैं। आपका जुबान से कहना कि मैं उनका गुलाम हूं फकत ये दावा है, दलील अगर बननी है तो इस अशार को गौर करें और अपनी अपनी जिंदगी में अपना खुद का मुहासबा कर ले, अपने गिरेबानों में झांक कर देखे, अपना जायजा ले, जिस जात से हमारी मोहब्बत है, जिस जात से हमारा ये दावा है कि उन पर हमारा तन भी कुर्बान, मन भी कुर्बान, धन भी कुर्बान। मौसा सामीने कराम जब कुर्बानी देने का वक्त आ जाए इश्क में मोहब्बत में, जो मैदान छोड़कर भाग जाता है मौसा सामीने कराम, वो मुस्तिल कहलाता है, वो झूठा कहलाता है, उसकी मोहब्बत मोहब्बत हकीकी नहीं हो सकती मौसा सामीने कराम, महज वो दुनिया का ढोंग होकर रह जाता है। इस अशार पर इस अशार कहते हुए मैं अपने कलाम को अपनी गुफ्तगु को समेटता हूँ, फिर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो आइंदा जुमे में हम इस बदले किनारे पीर पर और कलाम करेंगे, जिसको हकीकी इश्क हो जाए, जिसको हकीकी मोहब्बत अदा हो जाए किनारे पीर से, तो वो इस जान के साथ जाए। जाया ना फरमाना सरफरोशी को मेरी, जाया ना फरमा सरफरोशी को मेरी, मेरे मौला धब्बा ना लगा गर्म जोशी को मेरी, कफन पहनकर आया हूं ए रब्बे गफूर, धब्बा ना लगे सफेद पोशी को मेरी। इस जाम के साथ जब हम कब्र में जाएंगे तो कफन भी सलामत, जिस्म भी सलामत होगा, दुआ की जरूरत नहीं होगी। मौसमी कराम बहुत सी कब्रें ऐसी होती है जहां पर जाकर यह दुआ करना पड़ता है, मेरे मौला साहिब कब्र की मगफिरत फरमा, जुमले में तवज्जो दे और इसको गौर के साथ समाप्त फरमाए। कई ऐसे कब्रस्तान हैं, कई ऐसी कब्रें हैं मौजूद सामने करा, जहां जाकर यह कहना पड़ता है कि मेरे मौला इस कब्र वाले की मगफिरत फरमा, इसके दर्जात को बुलंद फरमा। लेकिन मौजूद सामने करा जो इस दुनिया से अल्लाह की जात को वलियों के बताए हुए रास्ते से राजी करके जाता है, फिर उसकी मजार पर यह नहीं कहा जाता कि मेरे मौला इसकी मगफिरत फरमा, नहीं, यह कहा जाता है इनके सदके में हमारी मगफिरत फरमा। तो ये बंदा अगर है तो मौजूद सामीन कराम हमारे लिए अपने आप को मोहब्बत के साथ साथ अमल के मैदान में बदलने की जरूरत है। तो मैं आखिर में दुआ करता हूं परवरदिगार आलम हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, वैसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला जो दूसरों की बातों में आकर जिन भाइयों ने अपने घरों से झंडे उतारे हैं, ग्यारहवीं करना अपने आप के घरों से खत्म कर दिया है, मेरे मौला उन्हें नेक हिदायत अता फरमा, वैसे पाक के नाम पर खुदा की मखलूक को खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा, ग्यारहवीं और जोश व खरोश के साथ करने की तौफीक अता फरमा, बड़े धूमधाम के साथ पीराने पीर का लंगर लुटाने का हौसला जज्बा सकत इस्तेदाद व ताकत अता फरमा, मेरे मौला वैसे पाक की ग्यारहवीं हर साल करना नहीं, हर महीने की ग्यारह को वैसे पाक का तस्करा उनके नामे नामी इसमें गिरामी की फातिहा करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा। मेरे मौला पीराने पीर के सदके में यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, मेरे मौला जितने हजरात खड़े हैं, तो सबके खाली दामनों को वैसे पाक की भीख से पुर फरमा दे, वैसे पाक के करम से सबकी झोलियों को भर दे, मौला तू सबके बेड़े को पार फरमा दे, मौला वैसे पाक की ग्यारहवीं की बरकत से पीराने पीर की शान के सदके में, वैसे पाक की अजमतों के सदके में मेरे मौला फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मौला फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, परवरदिगार आलम फिलिस्तीन के बच्चों की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन के नौजवानों की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन के औरतों की हिफाजत फरमा, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है उस सरजमीन मुकद्दस पर बैतुल मुकद्दस के लिए, मेरे मौला उन तमाम शहादाओं को करबला वालों का साथ नसीब फरमा, इमाम हुसैन का फैज अता फरमा, मौला फासले सलाम का फैज अता फरमा।
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फैजता फरमा। शहदाए करबला के सदके में मेरे मौला उन तमाम फिलिस्तीनियों को मेरे मौला जो बैतुल मुकद्दस के लिए मस्जिद अक्सा के लिए जंग लड़ रहे हैं मेरे मौला अपने सीनों पर यहूदियों की गोली खा रहे हैं परवरदिगार आलम उन तमाम की कुर्बानियों को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा दे, मौला इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा दे, तहस नहस फरमा दे। परवरदिगार आलम इसराइल की बर्बरियत से फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन के मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मस्जिद अक्सा की अजमतों के साथ मस्जिद अक्सा को हम मुसलमानों के क़िबला अव्वल को परवरदिगार यहूदियों से महफूज फरमा दे। मस्जिद अक्सा की तू हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा के मिंबर को महफूज फरमा, यहूदियों के शर से मस्जिद अक्सा के मेहराब को महफूज फरमा। मौला मस्जिद अक्सा के दरवाजों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा के मीनारों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा के सहन में जितने अंबियाए कराम के मजारात हैं उन तमाम मुकद्दस मजारात की हिफाजत फरमा। मौला फिलिस्तीनियों को और करबला का हौसला नसीब फरमा, जज्बा अता फरमा। मौला कोई एक जुमला तो किसी के आमीन के इवज में मेरे मौला फिलिस्तीन के हक में कबूल और मंजूर फरमा। मौला हमने जो कुछ मांगा है जो मांगने से रह चुके हैं मेरे मौला तेरी जात कादिरे मुतलक है, तू जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे अता करता है। परवरदिगार आलम उस सब के नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज मकसदों में कामयाबी अता फरमा, कामरानी अता फरमा, हम तमाम के सरों पर गौसे आजम की मेहरबानी अता फरमा। हमारी दुआओं को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तमाम अंबिया कराम खुलफ़ाए राशिदीन पंजतन पाक के सदक़े में, सहाबा कराम उम्महातुल मोमिनीन मौला इमाम आली मुकाम के तमाम घराने के जितने आइम्मा हैं उन तमाम अहले बैत के इमामों के सदक़े में, खुसूसन वक़ासतन मेरे मौला गौसे आज़म ख्वाजा आज़म साबिर आज़म क़ुतुब आलम क़ादिर आज़म पाक के सदक़े में, हुजूर बंदा नवाज हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी सरकार के सदक़े में, बाबा शरफुद्दीन सरकार के सदक़े में, बिलखसूस मेरे मौला खुसूसन वक़ासतन आप रुए सिलसिलाए चिश्तियाए हैदराबाद तकन सरकार सैयदिना व मुर्शिदिना यूसुफ शरीफुद्दीन रिजवानुल्लाही ताला अनु मजमाइन के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।